chance here. That's out. Oh, great save. Salman Akbar. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान अकबर, आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल व्यू फ्रॉम द गोल पोस्ट। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बारे में, जिन्होंने हाल ही में अपने न्यूली फॉर्म बोर्ड मेंबर्स के नामों का ऐलान किया है, जो कि पहले 30 से 35 होते थे, उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके 11 किए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो फेडरेशन को शामिल किया गया, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन को। एक जो बड़ी अच्छी बात मुझे लगी है कि पाकिस्तान के एक बड़े वेल नोन बिजनेसमैन अकील करीम डैडी को भी इस बोर्ड में शामिल किया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चलते आ रहे हैं काफ़ी देर से, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है, और ये एक अच्छी इंडक्शन है मेरे ख्याल में इस बोर्ड में। जब मैंने ये 11 मेंबर्स की लिस्ट देखी, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि किस तरह से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इतने इंपॉर्टेंट अपने बोर्ड में अपनी नेशनल स्पोर्ट को इग्नोर किया। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान हॉकी ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो चाहे ओलंपिक्स हो, वो चाहे वर्ल्ड कप हो, चैम्पियंस ट्रॉफी हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, सैफ गेम्स हो, किसी भी इवेंट में आप चले जाएं, आपको पाकिस्तान हॉकी काफ़ी परफॉर्म करती नज़र आई है, और पूरे दुनिया में पाकिस्तान ने हॉकी ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अगर आप पूरे पाकिस्तान स्पोर्ट्स की हिस्ट्री देखें, तमाम स्पोर्ट्स ने जितने भी मेडल लेके आए हैं, अकेली पाकिस्तान हॉकी ने आज भी उन सबसे ज़्यादा मेडल लेके आए हैं, और इतने बड़े लेवल का एक बोर्ड आपके मुल्क में बन रहा है और अपने नेशनल स्पोर्ट को उसमें इग्नोर कर रहे हैं। मुझे अपने मुल्क से बड़ा प्यार है, और मैं बाकी स्पोर्ट्स की भी प्रमोशन चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स में एक अच्छा अपना मकाम बनाए, और इसमें जितनी भी हमारी स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, उनको बिल्कुल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए, उनके उनको असिस्ट किया जाना चाहिए, उनको गाइड किया जाना चाहिए, और यही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का रोल भी है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जब मैंने ये देखा कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को आपने अपने बोर्ड में शामिल किया हुआ है, और मैं यहाँ बताता चलूँ कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो एडहॉक पे चल रही है इस टाइम, जो उसके मामला हैं अगर आप उसकी डिटेल में जाए, कितनी बदनामी हुई पाकिस्तान की जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामला रहे हैं पीछे, और आज वो एडहॉक पे चली है, तो मुझे ये लॉजिक बिल्कुल नहीं समझ आया। आई डोंट नो वो आप लोगों ने क्या किया। ठीक है, फुटबॉल एक वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट है, पाकिस्तान में बड़ी खेली जाती है, यंगस्टर्स का बड़ा इंटरेस्ट है उसमें, लेकिन उसके साथ साथ नेशनल स्पोर्ट्स में भी जो है पाकिस्तान की हॉकी, उसमें भी आज भी बहुत सारे यंगस्टर्स का इंटरेस्ट है, उसके जो अंदरूनी मामला हैं उसमें अगर आप जंप इन करें और उसको बेहतर करके पाकिस्तान हॉकी को जो खोया हुआ मुकाम है वो दोबारा हासिल करवाने में मदद करें, दैट इज़ द राइट वे। दिस इज़ नॉट द वे कि आप स्ट्रेट अवे इतने इतने बड़े लेजेंड्स जिस स्पोर्ट ने पैदा किए और अपने मुल्क का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, आपने उसको अपने बोर्ड में उसकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रखी है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही अनप्रोफेशनल डिसीजन है, आपको इस पर रीथिंक करना चाहिए, और पाकिस्तान हॉकी की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बोर्ड में एब्सोल्युटली होनी चाहिए। जब 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को ख़त्म किया गया, तो जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन को ट्रांसफ़र की गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक बड़ी प्रीमियम अथॉरिटी है, और वो पूरे मुल्क में जो है पूरे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट को देखती है, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसकी इंप्लीमेंट के लिए एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के तौर पे भी काम करती है। जब से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो इंटर प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री के पास आया है, तो फेडरल गवर्नमेंट का रोल बहुत ही लिमिटेड रह गया है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई है प्रोविजनल गवर्नमेंट्स के पास, अब जो रिस्पॉन्सिबल हैं अपने अपने प्रोविंस में स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट और प्रमोशन को देखने के लिए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के 5 मेन फंक्शन हैं, जिसमें नेशनल फिटनेस और स्टैंडर्ड ऑफ कंपटीशन को प्रमोट और डेवलप करना है, जिसमें स्पोर्ट्स पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन और फिर उसको मॉनिटर करना भी है। तीसरा जो मेन फंक्शन है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, वो ये है कि उन्होंने नेशनल गेम्स को, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को उनके अपने प्लान की एग्जीक्यूशन में गाइड और असिस्ट करना है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शन ये भी है कि वो सब्सिडीज और ग्रांट टाइम टू टाइम नेशनल गेम्स और जो भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ एफिलेटेड हैं उनको वो फ्राहम करें, और उसके साथ साथ उनको भी सब्सिडीज या टाइम टू टाइम ग्रांट फ्राहम करें जो डिजर्विंग स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वूमेन हैं कंट्री में। पाँचों और आखिरी मेन फंक्शन ये है कि उन्होंने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन के साथ अपनी नेशनल गेम्स और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की एफिलेशन को कंसिडर और अप्रूव करना है, जो कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की कंसल्टेशन के साथ किया जाता है।
मैं इस चीज़ को बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी की आजकल की जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। हम एक टाइम पे दुनिया पे राज करते थे हॉकी में और आज हम 17वें नंबर पे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी नेशनल स्पोर्ट को इग्नोर कर दें और उसको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दें। अगर पाकिस्तान हॉकी की ऐसी परफॉर्मेंस है आजकल तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो वजह है वो गवर्नमेंट की सपोर्ट है। पैटर्न ऑफ चीफ पाकिस्तान हॉकी के हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो जितने भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में वो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। बल्कि मैं ये पीछे पढ़ रहा था कि 3 साल हो गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कोई ग्रांट ही नहीं मिली है, फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो चाह भी रहे हैं कि हम इस अपनी वर्ल्ड रैंकिंग को थोड़ा सा लिफ्ट करें तो उसके लिए उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो वो आप लोगों ने 3 साल से बंद कर दिए, जिसकी रीजंस आप खुद बताते हैं कि आप नहीं खुश हैं परफॉर्मेंस है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के और उनके जो अंदरूनी मामला आते हैं उनसे, तो आप क्यों नहीं उनको ठीक करते, आप क्यों ग्रांट रोक रहे हैं, आप क्यों नेशनल स्पोर्ट को हिट कर रहे हैं और उसका नुकसान कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट दे रही थी और वो उनकी परफॉर्मेंस से मुतमइन नहीं थे तो क्यों नहीं कोई चेक एंड बैलेंस किया गया, कितने फाइनेंशियल इश्यूज पे बात होती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, तो आपका तो पहला स्टेप ये बनता है कि आप जाके उनसे पूछें कि आपको हमने इतने पैसे दिए हैं वो कहाँ गए, आपने क्या डेवलपमेंट का काम किया और आपको इतना टाइम दिया गया था, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ हुए हुए, आपने कौन सा ऐसा कोई स्टेप लिया है कि हमें ये लगा हो कि नहीं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सीरियस है नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में, बजाय कि आप अपनी नेशनल गेम को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं, आपने उसको टोटल इग्नोर कर दिया। इससे तो ये मैसेज आता है कि यू डोंट बॉदर कि आपकी नेशनल स्पोर्ट ने कितनी लेगेसी मुल्क के लिए लेके आए और उसकी एक क्या पहचान है दुनिया में, तो ये बड़े अफसोस की बात है। मेरे ख्याल में इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है बजाय इसके कि इसको इग्नोर किया जाए, तो ये आपको मेरे ख्याल में अपनी पॉलिसी में ये चीज़ लानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ऊपर जाए। नहीं तो मुझे नहीं कोई भी चांस नज़र आता कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ऊपर जाएगी। आप दूसरी कंट्रीज़ में देखें, आप हम अपने नेबर कंट्री इंडिया को देख लें, वो कहाँ से कहाँ आ गए अपनी पूरी ओवरऑल स्पोर्ट्स में, उनकी मेडल टैली आप एशियन गेम्स हों, सैफ गेम्स हों, इवन ओलंपिक गेम्स में आप उनके मेडल्स देख लें, वो अब मेडल्स जीतना शुरू कर दिए क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे अपने मुल्क में एक बहुत खेलो इंडिया के नाम से एक उन्होंने काम प्रोग्राम लॉन्च किया और उसका उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की आप अगर पॉलिसीज़ बनाएं और इस तरह के स्टेप लें तो फिर ही चांस है, इस तरह से आप नेशनल स्पोर्ट को इग्नोर करके और ऐसी फेडरेशन जो एग्जिस्ट ही नहीं करती और एडहॉक पे है ऐसे ही फेडरेशन को अपने बोर्ड के मेंबर बनाएंगे। आज भी पूरी दुनिया में वर्ल्ड हॉकी में पाकिस्तान हॉकी का नाम लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि अगर आज हम 17th नंबर पे हैं तो दुनिया पाकिस्तान हॉकी को भूल गई है। तो प्लीज़ इसको आप रिव्यू करें, आप इसको देखें कि इसमें क्या बेहतरी और किस तरीके से लाई जा सकती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बिल्कुल रिव्यू करेंगे और अपनी नेशनल स्पोर्ट को उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितनी नेशनल स्पोर्ट ने अपनी कंट्री के झंडे को रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में दिया। अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बारे में। ये एक बहुत ही बड़ा लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान हॉकी के लिए, पाकिस्तान हॉकी के लोगों के लिए, पाकिस्तान हॉकी के लेजेंड्स के लिए कि एक प्रीमियम अथॉरिटी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अपने बोर्ड मेंबर्स की को शॉर्टलिस्ट करता है और उसमें पाकिस्तान हॉकी की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रखता वो। तो ये मेरे ख्याल में आप सबको सोचना चाहिए क्योंकि आप लोग ही पिछले एक डेकेड से पाकिस्तान हॉकी के मामलों को चला रहे हैं, तो ये आपकी परफॉर्मेंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। पाकिस्तान हॉकी के जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसने तो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स का बहुत बुरा हाल कर दिया, वन ऑफ द मेन रीज़न है। हम आप पाकिस्तान हॉकी के अंदर ही दो ग्रुप्स बने हुए हैं जो अगर कोई अपॉइंटमेंट आती है तो वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और वही लोग जाके गवर्नमेंट के पास जाते हैं और उनको कहते हैं इनको पैसे ना देना, इन्होंने कोई काम नहीं किया ना करेंगे और ऐसी आप लोगों ने ही ऐसा एटमोसफेयर बनाया हुआ है। मैं तो ये पिछले एक डेकेड से यही देख रहा हूँ कि यही काम होते जा रहे हैं, तो जाहिर है मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी यही सोचती होगी कि यार ये इनकी तो आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती। अगर कोई एक फेडरेशन आती है यही हॉकी वाले हमारे पास आके कहते हैं इनको ग्रांट ना देना, उन्होंने ये किया है, ये गलत लोग हैं या हमें चांस दिया जाए, तो इस चीज़ को ठीक करें। आपने ही अपना इमेज ख़राब किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नज़र में मेरे ख्याल में, तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि ऑफिस में तो आप लोगों का काम ही नहीं है, आप लोगों को ग्राउंड पे जाके काम करना चाहिए और अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी अथॉरिटी के पास जाते भी हैं तो अच्छी बात करें, जाके उनको बताएं कि हम एक हैं, उनको ये अपील करें कि हमें ज़रूरत है, हम चाहते हैं पाकिस्तान हॉकी को हम वापस ट्रैक पर लेके आएँ और उसके कुछ प्लान उनको दें, बजाय इसके कि आप इंटरनल पॉलिटिक्स को जो है वही जाके गवर्नमेंट को जाके बताएं कि नहीं ये लोग ऐसे हैं इनको हटा दिया जाए हमें लेके आया जाए। तो ये आप लोगों ने ही काम किए हैं जिसकी वजह से अब जो इतनी एम्बेरसमेंट मुझे तो हुई है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बोर्ड
में नेशनल स्पोर्ट्स की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। गवर्नमेंट को भी एब्सोल्युटली देखना चाहिए, काइंडली आप करते हैं अपॉइंटमेंट्स, ये कॉम्प्रोमाइजेज ना करें, नहीं तो पाकिस्तान आप ये भूल जाएंगे, आपकी नेशनल स्पोर्ट दोबारा से वो आपको लेगेसी ला के देगी जो कि पास में हम लेके आए हैं। और आज भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान हॉकी को पहचाना जाता है उन परफॉर्मेंसेज की वजह से जो कि आपकी नेशनल स्पोर्ट्स ने दी है। यहाँ पे मैं अपने एक्स ओलंपियंस के बारे में भी बात करना चाहूँगा कि जो अक्सर मैं देखता हूँ टीवी पे आके कोई अपनी कोचिंग का आगे बता रहा है कि मैं इतना बड़ा कोच हूँ, कोई अपने आप को डिफेंड कर रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, और कोई आके ये कह रहा है कि आप मुझे पावर दें तो मैं पाकिस्तान हॉकी को ठीक कर सकता हूँ। मीडिया पे हर जगह यही बातें करते नजर आते हैं आप लोग, और ये अब इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट नेशनल स्पोर्ट की हुई है, और मैंने नहीं देखा कि किसी प्लेटफॉर्म पे आप लोग इकट्ठे हुए हों और आपने कोई बात की हो और आपने कोई एहतजाज किया हो बड़ा सॉलिड किस्म का। इंडिविजुअली शायद एक दो ओलंपियंस ने स्टेटमेंट दी हो, ये भी थोड़ी सी समझ आती है कि वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि शायद आप लोगों को पता है कि आप लोग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके शायद इस वजह से, तो इसलिए आप इसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे। तो अब जब पाकिस्तान हॉकी को आपकी वाकई रियल इकट्ठे होकर ज़रूरत पड़ी है तो आप लोग कहीं नज़र नहीं आए, तो आप काइंडली इस बारे में भी सोचें और पाकिस्तान हॉकी के बारे में सोचें, अपना इंडिविजुअल एजेंडा बिल्कुल साइड पे करें। आप मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे और इसके बारे में सोचेंगे और इस पर कोई एक्शन लेंगे। पाकिस्तान अगले साल के एंड में साउथ एशियन गेम्स को भी होस्ट कर रहा है जो कि मैं समझता हूं बहुत अच्छी खबर है, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए वंस अगेन कि वो पूरी दुनिया में ये मैसेज दे सके कि वी आर अ वेरी सेफ कंट्री और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे रिसेंटली क्रिकेट ने पूरी दुनिया में एक बड़ा पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का दिया है कि मुख्तलिफ टीम्स जब पाकिस्तान आई हैं और PSL 5 एडिशन पूरे का पूरा पाकिस्तान में हुआ जो कि कम्प्लीट नहीं हो सका COVID-19 की वजह से, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की, और मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बहुत ज़्यादा गुड लक विश करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही मेहनत के साथ और ये बेस्ट एज अ बेस्ट होस्ट बन के सामने आएंगे साउथ एशियन गेम्स के। और उसके साथ साथ आपको मैंने कहीं एक आर्टिकल में भी पढ़ा कि आपको 4 या 5 अरब की ग्रांट भी इस बजट भी एलोकेट हुआ है इसको होस्ट करने के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। और जो मुझे अच्छी बात लगी है कि ये पहली दफ़ा, जो पहले 2 दफ़ा पाकिस्तान ने होस्ट किया था इसको तो वो सिर्फ इस्लामाबाद में किया था, लेकिन अब ये इस्लामाबाद से बाहर भी होस्ट होगी जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कराची ऐसे शहरों में भी जाएगी जो कि बहुत अच्छी बात है, और छोटे शहरों में तो और आसानी होगी आपको अच्छा क्राउड इकट्ठा करने में। तो मैं बहुत ज़्यादा गुड लक विश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इसको होस्ट करने में आपस में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और एक पेज पे काम करते हुए नज़र आएंगे। उसके साथ साथ रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ी कि हमारी जो IPC की मिनिस्टर हैं डॉक्टर तहमीना मिर्ज़ा, उन्होंने इस COVID-19 की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में तकरीबन 16 फेडरेशंस को फाइनेंशियल हेल्प की है और तकरीबन उनको 2.5 करोड़ रुपया उनको दिया है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आपने एक दाम किया, आपने स्पोर्ट्स को इस मुश्किल हालात में जो है बिल्कुल नहीं भूली। लेकिन वंस अगेन अगर आप नेशनल स्पोर्ट को भी याद रखती, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी प्लेयर्स हैं और जिनको बिल्कुल उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा और वो काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे है सारी चीज़ें एक साइड पर रखें, काइंडली नेशनल स्पोर्ट को भी इस मुश्किल सूरत हाल में उनकी भी हेल्प की जाए और प्लेयर्स की हेल्प की जाए, और ताकि उनको इस मुश्किल हालात में कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा हो। कोई पैकेज नहीं उनके लिए अनाउंस किया गया, तो मैं समझता हूँ कि आपको नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा देखना चाहिए और मुख्तलिफ फेडरेशन के साथ साथ पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स का भी सोचना चाहिए कि वो इस मुश्किल हालात में वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं और उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। मिनिस्टर ऑफ IPC डॉक्टर तहमीना मिर्ज़ा, जो कि पिछली साउथ एशियन गेम्स के जो मेडलिस्ट है उनको उन्होंने प्राइज मनी दिया, और बहुत ही अच्छा लगा देख के कि आप उनकी अचीवमेंट्स को भूली नहीं और जो जो भी मेडलिस्ट है आपने उनको पर्सनली बुला के उनको कैश अवार्ड्स दिए। मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में भी आप उनकी अचीवमेंट्स को इसी तरह रिकग्नाइज करती रहेंगी, और जो भी हमारा स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स वुमेन इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करती है आप उनको ज़रूर ऐसे ही रिवॉर्ड करती रहेंगी, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हों और अपने मुल्क के लिए और ज़्यादा मेडल्स लेके आएँ और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। मैं इस उम्मीद के साथ ये वीडियो बंद करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और IPC के मिनिस्टर डॉक्टर तहमीना मिर्ज़ा इस चीज़ को ज़रूर रिकंसिडर करेंगी कि हमारी नेशनल स्पोर्ट को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बोर्ड का मेंबर होना चाहिए
और उसके साथ साथ पाकिस्तान की हॉकी को इग्नोर ना नहीं करेंगे, बल्कि इसमें जो खराबियां उसको ठीक करने की तरफ चलेंगे, उन पॉइंट्स को ठीक करें जो आप खुद समझते हैं कि इसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी जो है आज डिक्लाइन की तरफ है। अब उन अपॉइंटमेंट्स की को देखें दोबारा एक दफ़ा, उसको भी रिव्यू करें कि कैसी कैसी अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, कैसी कैसी परफॉर्मेंस दी गई है, तो उसके बारे में अगर आप चेक एंड बैलेंस रखेंगी तो मेरे ख्याल में कोई मुझे इस पर शक नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी दोबारा से अपना खोया हुआ मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।